बच्चों, मैं नीलम शर्मा, आपकी संस्कृत की अध्यापिका, आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं और कुशल हैं। तो बच्चों, आज हम अपनी संस्कृत की कक्षा में, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और मुझे पूरी आशा है कि मेरे बच्चों ने सभी ने बहुत अच्छे से तैयारी कर रखी हो, ठीक है। अगर नहीं की है तो आप अपनी तैयारी अच्छे से करें। और जैसा कि आज हम अपनी कक्षा में अपनी पूर्णावृत्ति स्टार्ट कर रहे हैं, अपनी पूर्णावृत्ति का जो अभ्यास है हम वो शुरू कर रहे हैं। तो आज हम करेंगे अपने पार्ट एक की पूर्णावृत्ति, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है वर्ण विचार। ठीक है, आज हम संस्कृत में वर्ण विचार पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे वर्ण होते क्या हैं। ठीक है, आप सभी अपनी बुक में देखेंगे, जैसे कि आपकी बुक में दिया गया है कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो हमारा वर्ण कहलाता है। क्या होता है वर्ण? जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वो हमारा वर्ण कहलाता है। वर्ण हमारे वैसे तो तीन प्रकार के होते हैं, लेकिन हम आपकी कक्षा में केवल हम दो ही वर्ण पढ़ेंगे। कौन कौन से? एक हमारा स्वर और दूसरा हमारा व्यंजन। ठीक है, हम आपके केवल दो ही वर्ण पढ़ेंगे। वर्ण तीन प्रकार के होते हैं, लेकिन हम संस्कृत में केवल दो ही वर्ण पढ़ेंगे। तो आप संस्कृत में केवल ये बताएंगे कि संस्कृत में दो वर्ण होते हैं। अगर आपको प्रश्न दिया जाए कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्ण हमारे दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, अब आते हैं हम स्वर पर कि स्वर कहते किसे हैं। स्वर बुक में देखेंगे सभी, वे अक्षर जिनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं। अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो स्वर हमारे वह कहलाते हैं जिनका उच्चारण करने में, जिनको बोलने में हम किसी अन्य स्वर की या व्यंजन की सहायता नहीं लेते, वो हमारे स्वर कहलाते हैं। स्वर के हमारे दो भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर हमारे वो स्वर होते हैं जिन्हें बोलने में हमें कम से कम समय लगता है। अगर मैं दूसरी भाषा में बताऊं तो आपको जिन ह्रस्व स्वर हमारा वो होता है जिनमें हम केवल एक ही मात्रा वाले वर्ण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे आपकी बुक में दे रखा है आ ई उ री र। यहाँ से समझाने के बाद मैं अभी आपको एक बार आपकी बुक के माध्यम से भी ये पढ़ा दूंगी। उसके बाद हम चलते हैं दीर्घ स्वर पर। दीर्घ स्वर, दीर्घ का मतलब ही क्या होता है, बड़ा। यानी कि ह्रस्व स्वर से दो गुना समय जिन वर्णों को उच्चारित करने में लगता है वो हमारे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। और इनमें हम स्वर के साथ दो मात्राओं का प्रयोग करते हैं, इसमें हम दो मात्राओं का प्रयोग करते हैं और ह्रस्व में केवल हम एक ही मात्रा का प्रयोग करते हैं। अब चलते हैं अपने व्यंजन पर। व्यंजन हमारे क्या होते हैं, जिनका उच्चारण करने के लिए हम स्वरों की सहायता लेते हैं। ठीक है, ये स्वतंत्र नहीं होते हैं और ये स्वतंत्र होते हैं। और इसमें हमारा है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का अर्थ होता है छूकर या टच कर कर। ठीक है, तो स्पर्श का अर्थ क्या होता है, छूकर या टच कर कर। तो स्पर्श व्यंजन आपको समझ में आया कि जिनका उच्चारण हम स्वरों की सहायता से करते हैं वो हमारे व्यंजन कहलाते हैं। और यह स्पर्श व्यंजन आपको इसमें देर पढ़ना है। तो स्पर्श स्वर हमारे, सॉरी, ये हमारे तीन प्रकार के होते हैं जो व्यंजन होते हैं, अंतिस्थ और लास्ट होता है हमारा उष्म व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन हमारा क्या होता है कि जब हमारी जीभ किसी भी वर्ण का उच्चारण करते समय हमारे मुख के किसी भी भाग से टच होती है तो वो हमारा स्पर्श व्यंजन कहलाता है। इसमें हम इसमें जो वर्ण होते हैं वो 25 सॉरी इसमें जो व्यंजन होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 25 होती है। आप लिख लेंगे उनमें इनकी संख्या 25 होती है। ठीक है, मैं इधर लिख देती हूँ। स्पर्श की संख्या जो होती है वो 25 होती है और इन्हें पांच वर्गों में बांटा जाता है। पांच वर्ग होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कावर, चावर, टावर और अगला होता है हमारा तावर और पावर। ठीक है, इनके इन वर्गों के अंदर ही इनके वर्ण व्यंजन होते हैं। जैसे का वर्ग में हमारा होता है क ख ग घ। ठीक है, ये हमारे क्या
स्पर्श व्यंजन। अगला आता है हमारा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है कि इनमें हमारी इनकी अंतस्थ की संख्या हमारी कितनी होती है, चार होती है, चार होती है। और ये हमारे अंतस्थ का मतलब होता है कि जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं, जिन वर्ण व्यंजनों का हम उच्चारण करते हैं, तब हमारी जो जीभ होती है वो ज़्यादा टच ना होकर सिर्फ थोड़ी ही टच होती है, वो हमारे अंतस्थ कहते हैं। स्पर्श में तो हमारा पूर्ण जो हमारी जीभ है वो पूर्ण रूप से हमारे मुख के भाग से टच होती है, लेकिन अंतस्थ में उससे कम होती है। जैसे हम बोलते हैं या र ल, तो या और र में हमारी जो जीभ है वो स्पर्श नहीं कर रही है, और जब हम ला बोल रहे हैं तो हमारी जो ला है वो हमारे जीभ जो है वो तालू से स्पर्श कर रही है। तो अंतस्था क्या होता है, जो कम टच होती है, जो कम जब हमारी जीभ उच्चारित करते समय हमारे मुख से अधिक मात्रा में ना स्पर्श होकर कम होती है, ठीक है। अगला है हमारा उष्म व्यंजन। उष्म का अर्थ होता है गर्म। उष्म का अर्थ होता है गर्म। तो जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु हमारे मुख से बाहर निकलती है और गर्म हो जाती है, वो हमारे उष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये कौन कौन से होते हैं आपकी बुक में दे रखा है, श, स, स और ह। तो जब हम ह बोल रहे हैं तो हमारी जो श्वास है वो उष्म होकर बाहर निकल रही है, ठीक है। आगे हम आपकी बुक के माध्यम से पढ़ेंगे, आइए। आगे आपको दे रखा है कि हल चिन्ह। हल चिन्ह क्या होते हैं, हल का मतलब होता है हलंत, ठीक है। हल चिन्ह हमारा ये होता है, यदि हम का उच्चारण करेंगे तो का के साथ अ की ध्वनि निकलती है। आप सभी अपने मुख से का उच्चारण कीजिए और का के साथ हमारी अ की ध्वनि निकलेगी, अर्थात का या अन्य व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता होती है, ठीक है, लेनी पड़ती है। जैसे का जमा अ तो हमारा का बनता है, तो का जमा अ हमारा का बनता है, इस तरह से। तो किसी भी व्यंजन में आ और आ के आदि स्वर जुड़ने से उसके नीचे लगे हल चिन्ह का लोप हो जाता है। जब हम व्यंजन के साथ स्वर को जोड़ देते हैं तब वहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, जो हमारा हलंत है उसका लोप हो जाता है। लेकिन जब हम इसको संधि विच्छेद करके लिखते हैं, मतलब वर्ण विच्छेद करके लिखते हैं, तब हमारा हलंत लगता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा स्वर है वो व्यंजन से अलग हो जाता है। तथा स्वरों तथा व्यंजनों के अतिरिक्त संस्कृत भाषा में दो और ध्वनियाँ आ और अ भी हैं, ठीक है, आप याद रखेंगे, जिन्हें अयोगवाह कहते हैं। अनुस्वार नासिका से निकलने वाली ध्वनि है। विसर्ग का उच्चारण ह की भांति होता है, ठीक है। जब हम ये जो हमारा विसर्ग है हम इसे ह पढ़ते हैं, जैसे बालकः, छात्रः, पिकः। अनुस्वार होता है हमारा संस्कारम, संस्कृतम, संज्ञा। संयुक्त व्यंजनानि होते हैं। संयुक्त का मतलब होता है जॉइंट, यानी कि एक साथ जुड़े रहना। जब एक व्यंजन दूसरे व्यंजन से मिलता है तो संयुक्त बन जाता है, यानी कि जब एक व्यंजन दूसरे व्यंजन से जुड़ता है तो वो क्या बन जाता है, वो जुड़ जाते हैं, तो वो हमारा क्या बन जाता है, संयुक्त बन जाता है। जैसे क जमा श जमा अ तो छ। उदाहरण के लिए क्षमा, क्षत्रिय, आश्रम, ज्ञानी, विद्या, सर्व। आप हमेशा याद रखेंगे कि क और श और अ मिलकर हमारा छ बनाते हैं, और ता और रा, जब हमारा ता और रा मिल जाता है तो हमारा त त्रिशूल बन जाता है। आप इन वर्णों व्यंजनों को याद कर लेंगे। अगला है जब एक स्वर रहित व्यंजन दूसरे व्यंजन से जुड़कर एक अक्षर बनता है तो संयुक्त अक्षर कहलाता है। क्या कि जब एक स्वर रहित व्यंजन, यानी कि जिसके जिस व्यंजन के साथ स्वर ना हो, जब वो दूसरे व्यंजन से जुड़ता है तो वो अक्षर बन जाता है, उसे संयुक्त अक्षर कहते हैं। जैसे त जमा त, तो क्या हो रहा है हमारा, ये स्वर रहित व्यंजन है तो दोनों जुड़कर क्या बन गए, अक्षर बन गए, तत्। मम जमा मम, मम। स्वर तथा व्यंजन के मेल से शब्द बनते हैं, ठीक है। आप हमेशा याद रखेंगे कि जब व्यंजन और व्यंजन मिलते हैं तो अक्षर बनते हैं, और जब स्वर और व्यंजन मिलते हैं तो शब्द बनते हैं। जैसे ब अ तो क्या बन गया हमारा, ब ल अ ल।
अगला है वर्ण संयोजन। संयोजन का अर्थ है मिलना। संयोजन का अर्थ होता है मिलना, यानी कि जब हम वर्णों को क्रम से जोड़कर शब्द बनाने की प्रक्रिया को वर्ण संयोजन कहते हैं, कि जब हम वर्णों को मिलाते हैं तो वर्ण संयोजन हो जाता है। जैसे ल, अब हम इन वर्णों को मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा एक शब्द बन जाएगा। ठीक है, जब हम वर्णों को मिलाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा। तो ये हमारा क्या हो कहलाएगा, वर्ण संयोजन, है कि वर्णों को जोड़ना। आगे हमारा संयोग और वर्ण विन्यास। जैसे संयोजन कर रहे हैं, हम इन वर्णों को जोड़ेंगे तो हमारे ये वर्ण बन जाएंगे। विन्यास करेंगे यानी कि तोड़ेंगे, अलग करेंगे, तो हमारा वर्ण विच्छेद कहलाएगा या वर्ण विन्यास कहलाएगा। कब, जब हम वर्णों को तोड़ेंगे। जैसे हमने कमलम शब्द लिया, हमें कमलम का वर्ण विच्छेद या वर्ण विन्यास करना है। विन्यास और विच्छेद दोनों का एक ही तात्पर्य है, तोड़ना। तो क अ, जब हम का को स्वर रहित लिखेंगे तो उसके नीचे हमारा हलंत आ जाएगा। का अ जमा म जमा अ जमा अ जमा ला जमा आ और जमा मा, तो ये हमारा क्या बन गया, वर्ण विच्छेद। उसी तरह वर्ण विन्यास करने पर अंत में जो स्वर होता है उसी के आधार पर वह शब्द कहलाता है। जैसे न, अकारांत। इसका अर्थ, इस लाइन का मतलब यह है कि वर्ण विन्यास करने पर अंत में जो स्वर होता है उसी के आधार पर वह शब्द कहलाता है। अब जैसे अंत में इसमें क्या जुड़ा हमारा, म, तो आ रहा है तो आ से हमारा क्या बन गया, अकारांत। ई आ रहा है तो इकारांत, आ रहा है तो आकारांत, ई आ रहा है फिर ईकारांत, ऊ उकारांत, औ उकारांत, री रिकारांत। ठीक है, तो वर्णों के लास्ट में जो भी वर्ण, जो भी स्वर आएगा उसी के आधार पर उसका नाम हम रख देंगे। हम पढ़ते हैं ना अकारांत स्त्रीलिंग, तो वो क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि अकारांत का अर्थ क्या होता है, जिनके अंत में, जिनके, जिन वर्ण, जिन शब्द के अंत में अवर्ण, जिस भी वर्ण का उच्चारण होता है वह उसी नाम से जाना जाता है। इसी तरह आपके कुछ शब्द दे रखे हैं, अकारांत तथा आकारांत शब्द दे रखे हैं। ठीक है, आप इन्हें पढ़ लेंगे। आज की कक्षा में बस इतना ही।